पंचायत चुनाव 2020 को लेकर जारी हुई अधिसूचना, आज से भरे जा सकेंगे नामांकन। नामांकन प्रक्रिया जिला परिषद में नामांकन को लेकर हो चुकी है पूर्ण तैयारियां। जिला कलेक्टर एडीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। सुरक्षा को लेकर पुलिस दल तैनात। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू और 9 नवंबर को होगी अंतिम दिनांक। कोरोना गाइडलाइन का पूरा रखा जाएगा ध्यान। संवाददाता मुकेश राजा की रिपोर्ट। तो 11 से 3 बजे तक हम जिला परिषद के रिटर्निंग अधिकारी और हमारे SDO एस पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी हमने स्थल पर बैठेंगे और नॉमिनेशन फॉर्म देंगे। उसके बाद 10 तारीख को उसकी स्क्रूटिंग और 11 तारीख को फाइनल विड्रॉल करना है। उसके जस्ट बाद विड्रॉल का समय खत्म होते हैं 3 बजे बाद सिंबल्स का अलॉटमेंट होता है। इस चुनाव के अंदर पुराने चुनावों से थोड़ा सा फर्क ये है कि कोविड की गाइडलाइन है उसकी पालना करानी आवश्यक है। उसके लिए उचित व्यवस्था की गई है। नॉमिनेशन के संदर्भ में भी हम लोगों ने यहाँ पर अपने जिला परिषद कार्यालय के अंदर ध्यान ले रहे हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक वेटिंग हॉल बनाया है ताकि किसी की भीड़ पड़ती है तो वेटिंग हॉल में लोगों को बैठाया जा सके। नॉमिनेशन लाने के लिए भी अंदर केवल और केवल कैंडिडेट और एक व्यक्ति और अलाउड है। पूर्व में ज़्यादा लोग अलाउड होते थे पर अब केवल और केवल एक आदमी और अलाउड है। सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराने के लिए हमने यहाँ पर जो जाप्ता है वो उचित जाप्ता भी लगा दिया है और साथ ही साथ सबको सूचना भी दिलवाई है उसके लिए व्यवस्था करवाई है। नॉमिनेशन फॉर्म्स ताकि कोई भी आदमी गलती से फॉर्म के अंदर गलती ना छोड़ दे उसके लिए हम लोगों ने जितने भी नॉमिनेशन फॉर्म हम यहाँ से दे रहे हैं उसके साथ एक चेकलिस्ट उसी समय हम हाथों हाथ पकड़ा रहे हैं ताकि जब भी कोई हमारे कैंडिडेट है जो आना चाहते हैं वो ऑलरेडी जानकारी रखें कि उनको क्या क्या चाहिए ताकि किसी भी समय गलती होने का स्कोप ना रहे। इसके बावजूद भी फॉर्म के अंदर अगर कुछ छोटी मोटी गलती हमारे को नजर आती है तो उसके लिए भी अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो हम उनको भी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।